दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी और यह रॉ मटेरियल बनाने के लिए आपको कौन से मशीन की जरूरत होगी, उसकी कीमत क्या है और आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे आदि सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही सामने दिए गए घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिल्वर पेपर प्लेट दोना रॉ मटेरियल मेकिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। पहले प्लास्टिक की प्लेट्स वर्कअप अधिक प्रचलन में थे, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने प्लास्टिक से बनी सभी प्रकार की प्लेट्स को बैन कर दिया है। इसी के चलते सिल्वर पेपर प्लेट थाली दोना की मांग और अधिक बढ़ गई है। मांग अधिक होने के कारण सिल्वर पेपर प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी काफी ज्यादा मात्रा में होने लगी है, जिससे इसके रॉ मटेरियल का डिमांड भी बढ़ गया है और इसका रॉ मटेरियल तैयार करने वाले भी बहुत कम है। इस कारण सिल्वर पेपर प्लेट के लिए रॉ मटेरियल बनाने के बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है और इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। तो दोस्तों आप भी लेमिनेटेड सिल्वर पेपर रोल बनाने का बिजनेस शुरू करके हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। कौन सा रॉ मटेरियल और मशीन की जरूरत होगी। रॉ मटेरियल के रूप में दो प्रकार का पेपर उपयोग होता है। पहला है सिल्वर पेपर, जिसे सिल्वर बॉब फिल्म भी कहते हैं, और दूसरा है ब्राउन पेपर, जिसे क्राफ्ट पेपर भी कहा जाता है। इसके अलावा लेमिनेशन करने के लिए आपको गम यानी ग्लू की जरूरत होगी और आपको पानी की भी जरूरत होगी। सिल्वर पेपर GSM में आता है, जिसका मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब जितना ज्यादा GSM होगा उतना अच्छा आपका पेपर होगा और उतनी अच्छी क्वालिटी की आपकी प्लेट बनेगी। आपको अपने शहर के मार्केट में देखना होगा कि वहाँ सिल्वर पेपर प्लेट थाली रोना बनाने वाले किस क्वालिटी की रॉ मटेरियल का उपयोग ज्यादा करते हैं और उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल तैयार करके उन्हें दे सकते हैं। ये मशीनें अलग अलग क्षमता की होती हैं, इस कारण ये मशीनें अलग अलग प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि 100 किलो प्रति घंटा, 200 किलो प्रति घंटा, 250 किलो प्रति घंटा आदि, और इस बिजनेस के लिए कम से कम एक मजदूर की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कैसे बनता है लेमिनेटेड सिल्वर पेपर रोल। मशीन में ब्राउन पेपर और सिल्वर पेपर को उनके लिए दिए गए खानों में लगा दिया जाता है। फिर दोनों पेपर को आपस में चिपकाने के लिए गोंद का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जितनी मात्रा में गोंद लिया जाता है उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, जैसे कि 1 किलो गोंद में 1 लीटर पानी मिलाते हैं। अब मशीन चालू करते हैं और पानी मिले हुए गोंद को सिल्वर पेपर में ऊपर से निश्चित मात्रा में मग से डालते जाते हैं। इसके बाद दोनों पेपर आपस में चिपकते हुए आगे सरकती जाती है और उसके निर्धारित जगह पर रोल के रूप में इकट्ठा होती जाती है। जिस मशीन में साथ में कटर भी होता है उसमें फिट किए हुए साइज के अनुसार पेपर कट कर रोल होती जाती है। इस प्रकार के मशीन में कटर को फिट करने के लिए डाई दिया होता है, जिसे आप अपने पसंद के अनुसार के साइज काट कर मटेरियल तैयार कर सकते हैं। मशीन को ऑपरेट करने का तरीका मशीन के सिलर से आपको मिल जाएगा। एक बार सीखने के बाद आप आसानी से इसे चला सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने लागत की आवश्यकता होगी। सिल्वर पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन दो प्रकार की आती है। रॉ मटेरियल का रोल आता है, जिसमें क्राफ्ट पेपर साधारणतः 20 से 35 रुपए प्रति किलो की दर से मिलता है और सिल्वर बॉब फिल्म रोल की कीमत 200 रुपए प्रति किलो की दर से मिल जाता है। और 2000 लेमिनेटेड सिल्वर पेपर रोल बनाने के लिए लगभग 50 किलो गोंद की जरूरत होती है, जिसे आप 30 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से कंपनी के अनुसार खरीद सकते हैं। इस बिजनेस से आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप एक घंटे में 250 केजी सिल्वर पेपर का प्रोडक्शन करते हैं तो 8 घंटे में 2000 केजी सिल्वर पेपर रोल तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार एक महीने में आप 60,000 किलो लेमिनेटेड सिल्वर पेपर का निर्माण कर सकते हैं। 1 किलो लेमिनेटेड सिल्वर पेपर के पीछे में 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर आप एक दिन में 2000 किलो रॉ मटेरियल बनाकर बेच देते हैं तो आप एक दिन में 6000 रुपए कमा लेंगे। इस प्रकार आप एक महीने में 1,80,000 रुपए कमा सकते हैं। और इसमें से हम रॉ मटेरियल का खर्च, मजदूरी खर्च, दुकान या गोदाम का किराया, बिजली खर्च, अन्य खर्च पर लगभग 40,000 रुपए खर्च करते हैं तो भी एक महीने में 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। रॉ मटेरियल बनाने के बाद आप इसकी बिक्री कैसे करेंगे। पेपर प्लेट दोना थाली का उपयोग सभी क्षेत्र के किराना दुकानों, होटलों और शादी ब्याह कैटरिंग सर्विस वाले और टी कॉफी एंड स्नैक सेंटर वाले करते हैं, क्योंकि इसकी मांग ज्यादा है। तो इसे आप आसानी से पेपर प्लेट दोना थाली बनाने वाले लोगों से संपर्क कर अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। इस बिजनेस का प्रशिक्षण कहाँ से लेंगे और लोन आपको कहाँ से मिलेगा। जहाँ से मशीन खरीदेंगे वो आपको रॉ मटेरियल और मशीन को चलाने की पूरी जानकारी देंगे। इस बिजनेस के लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक की राशि लोन ले सकते हैं, या फिर आप बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने पर 25% की सब्सिडी भी देती है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं।
हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।